Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal and in this video we are going to talk about advantages of multiple shops or chain stores. Okay, what they say? They say कि भैया अगर हम multiple shops चलेंगे तो क्या-क्या फायदे हो सकते हैं हम उस चीज़ के वो सारा हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं. Economies of scale. मैंने आपको बताया था कि जितनी भी purchasing होती है, जो भी खरीदना होता है multiple shops के लिए, वो एक centralized unit खरीदती है. बिल्कुल. अब ये centralized unit क्योंकि सारी units के लिए खरीद रही है, that means ये bulk में procure कर रही है चीजें, bulk में खरीद के आ रही है. और जब भी हम bulk में खरीदते हैं, तो हमारी cost कम incur होती है, हमें economies of scale achieve होता है, सस्ते दामों पे हमें ज़्यादा products मिल जाते हैं. तो as a result of ये बोलता है कि अगर हम multiple shops खोलें, तो हमें economies of scale का फायदा मिलता है, which is an advantage of multiple shop. Second, it says elimination of middleman. ये आपने मेरे previous video में अच्छे से इसका explanation देखा होगा, जब मैंने आपको बताया था कि distribution channel में manufacturer आता है, wholesaler आता है, retailer आता है और customer आता है. अब क्योंकि multiple shops कौन बना देता है, maximum time manufacturer बना देता है, तो ये बीच के जो दो इंसान होते हैं, wholesaler और retailer, ये क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं. तो directly manufacturer किसके पास जा सकता है, customer तक reach कर सकता है. अब directly reach करने से फायदा क्या होता है कि जो प्रॉफिट मार्जिन होलसेलर और रिटेलर बीच में बना रहा था वो चीज हट जाती है. अब डायरेक्टली पैसा कौन बनाएगा, अब डायरेक्टली पैसा मैन्युफैक्चरर बनाएगा. और वो कितना बना लेगा, उतना तो नहीं बना पाएगा ना कि दो लोगों के प्रॉफिट मार्जिन अपने में ऐड कर लिए. तो अल्टीमेटली कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सस्ता मिलेगा. फिर इट सेज नो बैड डेट्स. मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी ये बताया था कि ये एक फिलॉसफी पे चलते हैं, आज नकद कल उधार. तो ऐसे में इनके पास कोई डेट्स होते ही नहीं है, इनके बैड डेट्स होते ही नहीं है. क्योंकि भैया देखो, सिंपल सी बात है, आप जब कैश ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो बैड डेट्स का तो सवाल ही नहीं उठता. बैड डेट्स तब कब होते हैं, जब आप क्रेडिट में मतलब क्रेडिट देते हैं, राइट. तभी आपको ये होता है कि क्रेडिट लेने वाला इंसान भाग गया, बैड डेट बन गया, राइट. आपको बैड डेट की कॉन्सेप्ट पता है ना, बैड डेट का मतलब क्या होता है, जिनसे हमें पैसे लेने थे वो या तो भाग गए हैं या मुकर गए हैं, जिसकी वजह से अब हमें पैसे नहीं मिलने वाले हैं, राइट. तो वो चीज़ तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आपकी सारी ट्रांजैक्शन कैश में हो रही है. फिर ये बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ गुड्स, द गुड्स नॉट इन डिमांड इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी मे बी ट्रांसफर टू अनदर लोकेलिटी. ओके, बाटा का शोरूम खुला, वहां पे शूज थे और पर्सेस थे, ठीक है. पर इस लोकेलिटी में लोगों को सिर्फ शूज में इंटरेस्ट है, पर्सेस में नहीं है. लेकिन इस लोकेलिटी में लोगों को पर्स बहुत पसंद आते हैं, तो ऐसे में आप इस शॉप से उठा के वो चीज़ें यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. जहाँ जिस चीज़ की डिमांड होगी वहाँ पे आपने ट्रांसफ़र कर दिए कुछ. तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है हमारे मल्टीपल शॉप्स में. डिफ्यूजन ऑफ रिस्क, द लॉसेज इनकर्ड बाय वन शॉप मे बी कवर्ड बाय द प्रॉफिट ऑफ अनदर शॉप. जैसे मैंने बताया अभी, यहाँ पे एक शॉप थी, यहाँ पे एक शॉप थी, ये वाली शॉप बहुत प्रॉफिट कमा रही थी, लेकिन एट द सेम टाइम ये वाली शॉप बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही थी, बल्कि लॉस इनकर कर रही थी. तो इसका प्रॉफिट, इसका लॉस क्या कर सकता है, कवर कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है. तो ये फायदा भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है मल्टीपल शॉप्स में. इसके अलावा और बेनिफिट्स इसके बोलते हैं, लो कॉस्ट. Because of centralized purchasing, elimination of middlemen, centralized promotion of sales and increased sales, the multiple shops have lower cost of business. क्योंकि middlemen को आप हटा चुके हैं, purchasing आप centralize कर रहे हैं, जिसकी वजह से economies of scale हो रहा है. तो ultimately cost क्या हो रही है, कम हो रही है ना. bulk में purchase करोगे, cost वैसे कम लगेगी, middlemen को वैसे हटा दोगे, cost और कम हो जाएगी. तो आप बहुत ही कम cost में काम कर रहे हैं, ऐसा मानिए. Flexibility. Under this system, if a shop is not operating at a profit, the management may decide to close it or shift it some other place without really affecting the profitability of the organization as a whole. ये बोलते हैं, मैंने एक जगह बाटा का शोरूम लगाया, but I realize यहाँ पे नहीं चल रहा, वहाँ पे चलता.
तो मैंने उसे उठा के वहाँ पे लगा दिया। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल चीज़ें रहती हैं, ऐसा नहीं है कि भैया आपके फाउंडेशन बन गए हैं कि नहीं आप यहाँ से मूव ही नहीं कर सकते, आप जहाँ चाहें वहाँ पे अपनी स्टोर लगा सकते हैं। आपको ये तो पता है ना, बाकी एरिया में तो आपके स्टोर चल ही रहे हैं, बाकी एरियाज में तो आपके स्टोर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो यहाँ वाला वर्क नहीं कर रहा तो उसको उठा के वहाँ पर लगा लो। जब इंसान के पास सिर्फ एक ही शॉप होती है ना तो वो बहुत हिचकिचाता है कि इधर लगाऊँ उधर लगाऊँ कैसे करूँ क्या करूँ, इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता। लेकिन जब आपकी मल्टीपल शॉप्स हैं तो उस टाइम पे तो फ्लेक्सिबिलिटी आ ही जाती है कहीं ना कहीं। सो ये थे कुछ पॉइंट्स किसके, हमारे एडवांटेजेस के मल्टीपल शॉप्स के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसी के कुछ डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशन। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड इफ यू वांट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर तो magnetbrains.com पे जाके आप नोट्स ले सकते हैं, दैट्स आवर ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।